हाँ दोस्तों, हरार गंगे अभी हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु हरिद्वार माँ गंगा स्नान को आ रहे हैं और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। और कोविड की जो टेस्ट है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है आपको हरिद्वार यात्रा के लिए, सारी चीज़ों का इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है आपको हरिद्वार के साथ साथ उत्तराखंड के समस्त प्लेसों की जानकारी प्राप्त। आज हम आए हैं ऋषिकेश बारमेड वाली ट्रेन पे और ट्रेन से हम उतर चुके हैं और सारे लोग अब बाहर की ओर जा रहे हैं और हम भी बाहर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे कोविड की बूथ लगी होती है और चेकिंग होती है कि नहीं होती है और प्रोसेस यहाँ का क्या है। समय आप देख सकते हैं सुबह के 7:57 हुए हैं। हम ब्रिज में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ब्रिज फुल है और काफ़ी सारे लोग दोनों ओर से आ रहे हैं। ये वाली ब्रिज डायरेक्ट हमें बाहर की ओर ड्रॉप करेगी, जैसे कि आप अभी देखेंगे। कोविड टेस्ट के लिए अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी कोविड टेस्ट हो ही नहीं रहा है। अगर कोविड टेस्ट होता तो हमें यहाँ से बाहर की ओर नहीं जाने देते, अंदर ही प्लेटफॉर्म 1 में कोविड की भीड़ लगी होती है। ऐसे हम आपको दिखाएंगे कि कोविड की भीड़ होती है और हमें कोविड की जांच कैसे करानी होती है। कोविड की जांच करने के लिए आपको आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, कोई पैसे की जरूरत नहीं है, निःशुल्क होता है अगर यहाँ पे कोविड की बूथ होती तो। अभी कोविड की कोई बूथ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है कोविड की बूथ अगर होती तो। हम अभी बाहर की ओर लेके जा रहे हैं, कहीं पे कोई चेकिंग नहीं हो रही, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं हो रहा है, आप आराम से आ सकते हैं, माँ गंगा दर्शन कर सकते हैं। और होटल और धर्मशाला, काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि होटल धर्मशाला में क्या कोविड की टेस्ट मांग रहे हैं, होटल और धर्मशाला में भी आप कोविड की टेस्ट नहीं मांग रहे हैं। हरिद्वार हर की पैड़ी के पास होटल धर्मशाला हमारे चैनल में मिल जाएंगे काफ़ी सस्ते दामों में, लेकिन सीजन के साथ साथ दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेट बढ़ते रहते हैं धर्मशाला होटल के। और हर की पैड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी वीडियो मिल जाएगा आपको। रेलवे स्टेशन के पास सबसे अच्छा धर्मशाला कौन सा है ये आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, ऐसे इसी वीडियो में लिंक मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं और वहां जाके बुकिंग कर सकते हैं। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं जहां पे कोविड की बूथ लगी होती है। अगर कोविड का टेस्ट होते रहता तो हमें यहाँ पे लाइन में लगा के खड़े कर देते लोग और यहाँ पे कोविड की जांच करवाना होता हमें, फिर एक पर्ची मिलती जिसे हम लेके बाहर की ओर जाते। तो कोविड की जांच नहीं हो रही है, मैंने प्रोसेस भी बता दिया, अगर होता तब की बात, अब नहीं अभी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बाहर निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप भी जब भी आए यहाँ पे फोटोग्राफी करना ना भूले, काफ़ी अच्छी व्यू आती है। हरे तो आप देख सकते हैं टेम्पो रिक्शा घोड़े की सवारी करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ का सुविधा आपको हरिद्वार मिल जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे विकल पट्टू वाले यहाँ पर खड़े हुए हैं और काफ़ी सारी सुविधा आपको हर की पैड़ी मिल जाती है। हर की पैड़ी के लिए आपको 300 रुपये का किराया लगता है, एक घोड़े गाड़ी का भी आपको मिल जाएगा सुविधा, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग इसमें जा रहे हैं। किराया सभी में 20 रुपये ही आपको पड़ेगा, बस घोड़े घड़ी में थोड़ा से सस्ता पड़ेगा, बाकी किसी में आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप थोड़ा बोल सकते हैं, शायद वो कम कर दे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर